तस्वीरें देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज करनाल पहुंच रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बीजेपी की चुनावी विजय संकल्प रैली में देश के गृह मंत्री अमित शाह करनाल पहुंच गए हैं, ये बड़ी खबर इस समय करनाल के दशहरा ग्राउंड से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर आप देख सकते हैं उनके स्वागत के लिए इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह इस समय पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस समय पहुंच चुके हैं और सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय उनके स्वागत के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह इस समय पहुंच चुके हैं करनाल, ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह इस समय करनाल पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय उनके स्वागत के लिए करनाल पहुंचे हुए हैं, ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की आज करनाल में रैली है और इस समय उनका काफिला इस समय यहाँ पर पहुंच चुका है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस समय रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं आप देख सकते हैं वो इस समय करनाल के दशहरा ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि राहुल गांधी वो कहते हैं महात्मा गांधी का मैं अनुयायी हूँ, महात्मा गांधी के बराबर तो उपासन भी नहीं है। हाँ, एक बात महात्मा गांधी के अवश्य पूरी कर रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं अमित शाह इस समय रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं करनाल में, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अमित शाह करनाल रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं, उम्मीदवार करनाल से उपचुनाव के सीएम नायब सिंह सैनी इस समय साथ में मौजूद हैं, सभी नेता इस समय साथ देखे जा सकते हैं। लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं जहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस समय मंच से संबोधन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पवित्र भूमि पर आए हैं आप सब करनाल के लोगों की तरफ से मैं आदरणीय अमित शाह जी का आज इस कर्ण की भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। जो जनता ये से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करिए, मंच पर जाना हमारे करनाल लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी और हरियाणा की मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती मेरे नायब सैनी जी, श्री कृष्णलाल पवार जी, कार्तिकेय शर्मा जी, बहन अर्चना शर्मा जी,